सरप्राइज भी देना था जो कि प्रेग्नेंट थी, ये तो सबको पता था। बछड़े दिखाने वाला हूँ। सब्सक्राइबर मुझसे काफी ज्यादा नाराज थे कि आप बछड़े अब नहीं दिखाते। माशाल्लाह ब्राह्मण, और ये उसके साथ ये यहीं से लिया था, ये भी कराची से आया था उसी के साथ, ये दो आए थे। माशाल्लाह गोलाइयां चेक करे यार, माशाल्लाह जरूर बोला करे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो गाइस सीन ये है, कुछ लोग हमें बोलते हैं, मतलब हमसे नाराज है, हमारे कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप अपना बेकार वीडियोज़ बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अब आप बछड़े नहीं दिखाते, फजूल चीज़ें दिखाते रहते हैं, जैसे कि भैंस, उसका बच्चा, कबूतर हो गए, तोते वगैरह हो गए, ये सब दिखाते रहते हैं। बाय द वे कबूतर हम चेक करें, माशाल्लाह फुल VIP। और एक आपको सरप्राइज भी देना था, तो बता ही देते हैं। हमारी भैंस थी जो कि प्रेग्नेंट थी, ये तो सबको पता था, उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा बेबी दिया है जो कि मतलब कि कट्टी है, मतलब भैंस के बच्चे को बोलते हैं कट्टा और मतलब बेटी को बोलते हैं कट्टी। तो ये रही माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, तो सबसे पहले माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, मतलब मैं जो भी जानवर दिखाऊं, कबूतर, परिंदे, कुछ भी दिखाऊं, माशाल्लाह बोला करें और दुआ किया करें कि यार पहले भी काफ़ी हादसा हो चुके हैं। खैर बाकी रिपोर्ट चेक करें, बाकी तोते वगैरह। तो इस व्लॉग में ना ये ख़ास बात है, ये व्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों को ना बछड़े दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं दिखा रहा था काफ़ी दिनों से, और मेरे सब्सक्राइबर मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि आप बछड़े अब नहीं दिखाते। तो माशाल्लाह चेक करें। पहली बात मैं ये बता दूँ आप सबको, देखते साथ माशाल्लाह लाजमी बोलना है, और यार दुआ किया करो यार, काफ़ी हालात जो है ना डर जाते हैं जब अगर देखते हैं ना जानवर को कुछ हो रहा है, बच्चों की तरह है यार, किसी का भी जानवर आप देखो, मैं ये नहीं कहता कि हमारे देखो तो बोलो, किसी का भी देखो आप, माशाल्लाह लाजमी बोलें, दुआ किया करें अल्लाह इसको और सेहत और तंदरुस्ती दे। ताकि माशाल्लाह चेक करें सब माशाल्लाह। ये हमारा जो हम कराची से वापसी पे लाए थे, वो तो मैंने दिखा दिया था व्लॉग में, कराची से वापसी पे लाए थे माशाल्लाह ब्राह्मण, और ये उसके साथ ये यहीं से लिया था, ये भी कराची से आया था उसी के साथ, ये दो आए थे। बाकी हम माशाल्लाह चेक करें, देंगे ना हम सबको सारी रिपोर्ट देंगे। ये रहे बाकी, ये टोटल मैं आपको ये बता दूँ, इस टाइम हमारे पास जानवर कम है पिछले साल की नस्बत, क्योंकि पिछले साल ज़्यादा थे, तो पिछले साल जो है ना काफ़ी ज़्यादा हादसा हो गए थे, इस वजह से इस साल कम है। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, किसी के भी जानवर देखो दुआ किया करो उसकी खैरियत की, मतलब कि माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करो। बस अभी जो है ना पहले कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट। तो इस व्लॉग ये स्पेशल इसलिए ही था ये व्लॉग, क्योंकि मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बछड़े दिखाने वाला हूँ। मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से मुझे शिकायत कर रहे थे कि आप बछड़े नहीं दिखाते, इंशाल्लाह दिखाना स्टार्ट करेंगे आराम आराम से। हमारे साथ बस बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और रिपोर्ट ये है कि बाकी सब जानवरों को जो है ना हमने धूप वगैरह लगवा दी, अभी जो खा रहे हैं खा चुके हैं, और रॉकी और जेफ को हमने गेट पे ही बांधा हुआ था, तो आज ये काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे, हमने यहाँ की सारी सफाई की थी। आज मेरे साथ जो है ना मेरे भतीजे मिले हुए थे, सफाई वगैरह करवा रहे थे, जो कि वो खड़े हुए दोनों तोते वगैरह देख रहे हैं। बाकी आप चेक करें, जेफ और रॉकी को हमने धूप पर बांधा था, लेकिन अब इनका टाइम हो चुका है अंदर बांधने का, तो अभी इनको जल्दी जल्दी हम बांधेंगे अंदर। धूप जो सेकनी सीख गई से अगली, मतलब अब जो है ना इनको भी गर्मी लग रही है, ये इसलिए अंदर आ रहे हैं। ओए रॉकी नहीं, बाहर आते जाते लोग भी परेशान कर रहे हैं, अब जो है ना इन्हें अंदर करेंगे। बाकी माशाल्लाह बने रहे, बछड़े दिखाते हैं, पहले बछड़े वगैरह बांध ले, बाकी अब माशाल्लाह एक नज़र मार लें। माशाल्लाह ज़रूर बोला करें यार, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, दुआ किया करें अगर किसी का माल देखते हैं ना, तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, जला नहीं करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी देगा कल को। माशाल्लाह चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह दिखाएंगे, बस बने रहें। फिलहाल अभी जो है ना काफ़ी सारे काम है, और सफाइयाँ भी चल रही थी थोड़ी, उधर की सफाई की थी, ये फर्श साफ़ किया था, अंदर कमरा साफ़ किया था, मेरे साथ ये दोनों मिले हुए थे माशाल्लाह। तो अभी जो है ना सब आपको डिटेल देंगे, बस हमारे साथ बने रहें। कबूतर वगैरह को बंद करते हैं जल्दी से। अब ये देखें कमरा में इन दोनों ने अभी भी चमका दिया, खुराक वगैरह भी अभी हमारी थोड़ी कम हुई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हालात अभी मतलब 12वां महीना है ना, हालात थोड़े डाउन चल रहे हैं, तो जैसे ही उठेगा तो जैसे मतलब कि खुराक वगैरह आना स्टार्ट होगी, सब डिटेल देंगे, सब रिपोर्ट देंगे, बस हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग। माशाल्लाह चेक करें एक नज़र, माशाल्लाह 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 पलाई आप बताएं कैसी जा रही है। ये जो कराची से बछड़ा आया था देखें, चेक करें माशाल्लाह, सिंगे वगैरह हमने बना दी थी, बाकी चेक करें फुल, अभी तो माशाल्लाह अभी तो तैयारी बाकी है, अभी तो सर्दी स्टार्ट हुई है। माशाल्लाह चेक करें ये नुकरा, माशाल्लाह ये हमने सब परचेज़ किए थे, आप लोगों को बता नहीं रहा था मैं, क्योंकि काफ़ी हालात जो है ना ख़राब चल रहे थे, लेकिन हम इंशाल्लाह बताएंगे सब, आपको सब डिटेल मिलेगी, A to Z सारी रिपोर्ट आपको देंगे। फिलहाल अभी जो है ना कबूतर वगैरह अंदर करते हैं, और मुर्गियाँ भी चेक करें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह
फुल अंदर जो है ना, अब सर्दियाँ आ रही हैं, बछड़े जो है ना पेशाब थोड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अंदर जो है ना सारा कीचड़ हो रहा है। ये भी अभी हमने यहाँ बाहर से मिट्टी वगैरह उठा के अभी भी देखें रखी हुई है, मिट्टी वगैरह उठा के अंदर हम डाल लें ताकि ना इन्हें कोई परेशानी ना हो, कीचड़ में बैठना पड़ता, फिर ये गंदे हो जाते हैं, फिर ये ना खुराक मतलब ढीली कर देते हैं, सुस्त हो जाते हैं ना। साफ़ सुथरे भी रखने हैं बछड़े, कम है लेकिन अच्छे हैं, नस्ली हैं। बस फ़िलहाल तो अभी काम वगैरह निपटाते हैं, तो ये चेक करें माशाल्लाह पट्ठा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसके साथ इसकी बेगम घूम रही है माशाल्लाह। बाकी ये सारे देसी हैं, असल जो है ना पट्ठे ये दोनों हैं, ये मतलब कि नर है वो ब्राउन वाली मादी है, दोनों चीने हैं माशाल्लाह। चेक करें ये चीना है और ये जो है ना शजरा है, अलग अलग कलर होता है। बाकी बछड़ा में चीना इस बार हमारे पास कोई भी नहीं है, इस बार पटेले हैं माशाल्लाह। वो सामने चेक करें, ये चेक करें पटेला सर पे जिसके पान है, बाकी वो चेक करें गुलाबी नाक में, ये चेक करें माशाल्लाह गुलाबी नाक में बछड़े एक से एक आतंक। और ये हमारे बब्बर शेर साहब तो अभी जो है ना बछड़े भी बांधते हैं, सुबह से खा चुके हैं, खड़े में सफाइयों में लगे हुए थे, वो तो बेचारे उनको ऐसी सज़ा मिल गई आज फजूल में, क्योंकि हम सफाइयों में लगे हुए तो कब से खा पी के फारिग हो गए, अभी जल्दी जल्दी से इनको अंदर करते हैं कबूतरों को। चलो 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 बेटा, टाइम ओवर हो गया, चलो बेटा। तो गाइस एक और रिपोर्ट भी देनी थी, कबूतरों ने एक अंडा दे दिया है, क्योंकि मैंने आज सुबह ही देखा है, मैं आपको दिखा दूं, तो मैंने कहा था ना ए टू जेड आपको रिपोर्ट देते रहेंगे, जैसे अंडे आएंगे इनके वो भी आपको बताते रहेंगे। बाकी ये भी कबूतरी जो ऊपर बैठी हुई है इसी ने अंडा दिया है, मतलब इसी के घोंसले में अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, बस कुछ बोले ना, अंदर 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 हटो, ये रहा माशाल्लाह। चेक करें, अब इनको छेड़ेंगे नहीं, इनके जैसे है सब कुछ वैसे एक्यूरेट छोड़ देंगे। अब जो है ना इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल तोते अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी तक ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं की, पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं, क्या पता नई जगह पे आए हो इसी वजह से भी नहीं कर रहे हो। बाकी इनकी सेहत वगैरह तो फुल अच्छी चल रही है, अभी अभी इनको हमने पानी और दाना दोनों चीज़ें डाल दी हैं। बाकी माशाल्लाह चेक करें, फुल VIP ये जो है ना मादी है, बच्ची है, चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये चेक करें, ये माशाल्लाह से पैदा हुई है, इसको आज दूसरा ये तीसरा दिन है, 18 दिसंबर को पैदा हुई है ये, 18 दिसंबर 2023 ये डेट हम याद रख लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, और ये इंशाल्लाह एक साल बाद देखिएगा, मतलब कि रिपोर्ट तो आपको वैसे ही मिलती रहेगी एक साल बाद, ये मतलब ग्रोथ इतनी जल्दी करते हैं ना भैंस। और ये भी तकरीबन 1.5 साल का है अभी ये, माशाल्लाह चेक करें, ये भी ऐसा ही था, अब ये देखें माशाल्लाह तैयारी में आया हुआ फुल, माशाल्लाह माशाल्लाह हो रहा है, चेक करें बस माशाल्लाह। ज़रूर बोला करें, एक ही बात आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है, ज़रूर बोला करें, सेहत की दुआ किया करें। गाइस वेलकम हो गया, उस टाइम मैं चला गया था बछड़ों को बांध के धूप वगैरह पे, नाश्ता वगैरह किया, थोड़ी सी नींद पूरी की, क्योंकि भाई रात को कभी कभार ना उठना पड़ता है, बछड़ों को चेक वगैरह करना पड़ता है, सौ मसले मसाइल होते हैं, तो इसीलिए ना थोड़ी देर सोया। अब मैं नीचे आया हूँ, अब मैं आया हूँ बछड़ों को एक दो वो साफ़ करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपने ब्लैकू भैया को, अभी हमने नाम वगैरह भी रखने हैं यार, खैर टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। अभी इसको खोलते हैं यहाँ पर, बांधते हैं अंदर यहाँ पर कहीं धूप पे बांधते हैं, इसको साफ़ वगैरह करते हैं और देखते हैं क्या सीन है आज, बरल चेक भी कराएंगे आपको बछड़ा इंशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ उस टाइम मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, मैं अपने साथ लाया हूँ अफान को, जो कि मोबाइल पकड़ेगा वीडियोज़ बनाएगा और मैं करूँगा साफ सफाई। तो भाई माशाल्लाह से आप लोग चेक कर सकते हैं हमारी ब्लैक ब्यूटी, अभी से इसका नाम रखना ही बाकी है, बाकी अभी अभी हमने इसको साफ किया, माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं। अब ना डेली इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रोज़ के एक बछड़े दो बछड़े हम लोग साफ करेंगे, बाकी माशाल्लाह चेक करें। मैं खुद इस कैमरा पकड़ के ना आपको सही से दिखाता हूँ माशाल्लाह। और ये मेरा जुहाड़ चेक करें, ये जो ब्लेड होता है उसके ऊपर मैंने ये पट्टी लगवाई है फुल VIP निज़ाम में, बाकी चेक करें बच्चा चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह फुल माशाल्लाह, गोलाइयाँ चेक करें यार माशाल्लाह ज़रूर बोला करें माशाल्लाह, फुल ना फुल चमक रहा है माशाल्लाह से, फुल ऐसा हो रहा है ना तबाही हो रहा है, फुल एंड हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा अभी जो है ना हमने एक बछड़ा साफ़ कर लिया, अब हम दूसरा बछड़ा साफ़ करेंगे, दूसरा हम कौन सा साफ़ करेंगे, दूसरा ये बैठा हुआ हम इसको साफ़ करेंगे, ये रहा उल्लू का बट्टा, इसको साफ़ करेंगे, नाम तो खैर नहीं है, तो अभी ना इसकी बारी, इसको खड़ा करते हैं अंदर लेके जाते हैं, अब इसकी सफाई करते हैं, खैर वो तो हम करते रहेंगे। और हाँ मैं भूल गया था व्लॉग का लंबा नहीं करना, हम कर देते हैं यहाँ व्लॉग का एंड, क्योंकि यार काम वगैरह करना भी बाकी है। तो जिस जिसको हमारे व्लॉग पसंद है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, तो अब बताइएगा अगर आप लोगों को ऐसे व्लॉग चाहिए बछड़े के, तो वैसे ही मिलेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट करके
तो मिलेंगे, वरना फिर वही पुराने आ जाएंगे। ये हमारे प्यारे से तोते, ये देखे चेक करें, माशाल्लाह ये चेक करें तोते, और वो बैठे हुए कबूतर अंदर। बाकी अब ये भी आ गया, नया नई मेहमान आ गई है, गर्ल, बेबी गर्ल। ये तो बता दें, या फिर ये घूम रहे, ऐसे ब्लॉग चाहिए या फिर इनके ब्लॉग चाहिए, ये आप खुद हमें कमेंट करके बता दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग।